नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में वीआईपी ड्यूटी का हवाला देकर जिला अस्पताल से नदारद डॉक्टर की गैर मौजूदगी का खामियाजा अस्पताल में आने वाले मरीजों को उठाना पड़ रहा है। खास करके गंभीर बीमारी से ग्रसित रोगी की काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, हादसों में घायल फ्रैक्चर के दर्जनों मरीज आर्थो वार्ड में भर्ती हैं। डॉक्टरों ने अब तक ऑपरेशन की डेट नहीं दी है। जिला अस्पताल में संचालित दो ऑपरेशन थिएटर में से एक बीते 6 महीने से मरम्मत के नाम पर बंद है। सिर्फ एक ऑपरेशन थिएटर चल रहा है, वह भी आए दिन वीआईपी दौरे के कारण प्रोटोकॉल में सील हो जा रहा है। ऐसे में ऑपरेशन के लिए मरीजों को लंबी वेटिंग मिल रही है। अस्पताल में सामान्य सर्जरी के मरीजों को दो दो महीने की वेटिंग दी जा रही है, जबकि करीब 330 बेड वाले जिला अस्पताल में मरीजों को यह मुसीबत बीते 6 महीने से है। अस्पताल के ओपीडी में रोज़ाना 2000 मरीज इलाज के लिए आते हैं। करीब 80 मरीज इमरजेंसी में इलाज कराने पहुंचते हैं। इनमें ज़्यादातर जनरल सर्जरी और हड्डी टूटने के मरीज होते हैं। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डॉक्टरों की गैर मौजूदगी की वजह से मरीजों को कितनी सांसत का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने बताया कि आर्थो ओटी को मॉड्यूलर ओटी में कन्वर्ट किया जा रहा है और जो कार्यदायी संस्था है उसको दे दिया गया है, वह बना रही है। इनका काम जब तक चल रहा है तब तक ओटी नहीं चल सकती। एक जनरल ओटी चल रही है जिसमें सर्जरी के मरीज भी ऑपरेट होते हैं और आर्थो के मरीज भी ऑपरेट होते हैं। रोस्टर के मुताबिक ड्यूटी लगाई जाती है जिसमें आर्थो के डॉक्टरों को ओटी की डेट कम मिल पाती है, जिससे मरीजों की वेटिंग लिस्ट ज़्यादा हो जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए मरीज के परिजन चंदा और किरण, मरीज ओंकार शर्मा और प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा। ओंकार शर्मा, हम पेड़ पे चढ़ रहे, पेड़ पर से हमारा हाथ फिसल गया तो हम गिर गए थे। फिर 10 दिन हुआ मुझको भर्ती होने, ऑपरेशन होने वाला 2 दिन टल गया। परसों होगा ऑपरेशन। क्या बोलेगा कि आपका ऑपरेशन परसों होगा? मेरा चंदा, मरीज के बाल गोविंद, गाड़ी से लड़े हुए हैं। क्या हुआ था? पैर, हड्डी टूट गया है पैर मकर। डॉक्टर ऑपरेशन लिए बोले हैं लेकिन ऑपरेशन नहीं हुआ है अभी। कितना दिन हो गया? 12 दिन। किरण झुलुआ पर से गिर गया था मेरा बच्चा, और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे तो वो नहीं, डॉक्टर वहाँ पर गए थे फिर घूमे आए, सामान को कुछ नहीं बताए, हम इसलिए घुमाए लेके बच्चा को। कितने दिन हो गए आप ऐसे क्यों नहीं पाए? 15-20 दिन हो गए। ये आर्थो ओटी में मॉड्यूलर ओटी में कन्वर्ट किया जा रहा है और जो कार्यदायी संस्था है उसको दे दिया गया है, वो बना रही है। बनाने के बाद वो हमको जब तक हस्तगत नहीं करते हैं तब तक उसको स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। एक जनरल ओटी चल रही है जिसमें सर्जरी के मरीज भी ऑपरेट होते हैं और आर्थो के भी होते हैं, और रोस्टर के मुताबिक ड्यूटी लगाई, उसी में ENT सर्जरी भी होती है, इसलिए आर्थो के डॉक्टर्स को ओटी डेज कम मिल पाते हैं जिससे मरीजों की लंबी वेटिंग होती है। और चिकित्सालय में आने वाले रोगियों, एक्सीडेंटल मरीज और अन्य तरीकों से फ्रैक्चर के मरीज बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, तो बारी बारी से आवश्यकता अनुसार उनका जब जब ओटी मिलती है उसमें किया जाता है।